कैसे हैं मेरे भोपाल के दोस्तों, नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। तो स्वागत है हम लोग की न्यू व्लॉग में, जो कि है फूड व्लॉग। और आज हम आप लोगों को लेके चलने वाले हैं एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट में, जो कि लेट नाइट तक सर्व करता है, जहाँ पे टेक अवे बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है जहाँ से वो। और ये जो रेस्टोरेंट है उसकी एक स्पेशलिटी है, जैसे चिकन, सीख कबाब, कबाब्स, करीज, जो बिरयानी है वहाँ की, बिरयानी यहाँ पे भोपाल में स्पेशली बिरयानी को बोला जाता है, बिरयानी। तो हम लोग आप लोग को ले चलते हैं, पर उससे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस हमारी आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं फिर। तो गाइज, आज हम लोग पाकिजा के रेस्टोरेंट पर आए हुए हैं। मतलब उनके यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब आप बैठ के नहीं खा सकते, तो बैठ के खाने की मतलब जगह तो है, बट अभी यार वहाँ पे जाके बैठ के खाना वो सही नहीं है। ये लोग गाड़ी में ही सर्व करते हैं रात को, मतलब टेक अवे का सिस्टम इन लोग के यहाँ ज़्यादा है। और हम लोग भी ज़्यादातर यहाँ से, जो मेरा फ्रेंड है विक्रम, उसने मेरे को रिकमेंड किया हुआ है कि यहाँ का जो चिकन है और जो भी सीख कबाब जोन ऑल, तो यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ भाई, भाई बोलिए। पाकी जैसे हूँ मैं, न्यू पाकी जैसे, मोहम्मद शरीफ नाम से। तो भाई क्या क्या मिल जाएगा आपके यहाँ? टिक्का मिल जाएगा, मलाई टिक्का मिल जाएगा, मलाई डंगरी मिल जाएगा, चिकन डंगरी मिल जाएगा, तंदूरी चिकन मिल जाएगा, अफगानी तंदूरी मिल जाएगा। अरे वाह भैया, बाप रे, सब कुछ अवेलेबल है। चिकन ग्रेवी मिल जाएगा, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, बटर टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला। एक काम करो जी भाई, ऑर्डर बोलो विक्रम। मलाई टिक्के की अपनी वो कर दो जी, है ना। एक कबाब कर दो जी, है ना, सीख कबाब, सीख कबाब। एक चिकन टिक्का मसाला कर दो, हाफ हाफ रोटी तंदूरी रुमाली, हाँ दो तंदूरी दो रुमाली, ठीक है। और एक फ्राई बोटी बिरयानी कर दो, हाफ बस। और तंदूरी और रुमाली भी अवेलेबल है? दोनों मिल जाएगी, बिरयानी मिल जाएगा, फ्राई मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो अभी तो आप इतना ही ले आओ, है ना। ओके भाई, तो गाइस ये यहाँ का सबसे पुराना और बहुत ही लजीज खाना मिलता है यहाँ पे, और जिस प्राइसिंग रेंज में लोग चाहते हैं ना, उस प्राइसिंग रेंज में यहाँ पे खाना मिलेगा यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ का ये। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पाकिजा होटल पे, जो कि यहाँ का बहुत पुराना होटल है। मोबाइल में कोई नहीं मिलता पाकिजा होटल में, चाय भी बिकती, चाय फिरनी भी मिलती है यहाँ पे, शाही पीस भी मिलता है यहाँ पे, और मतलब सारी आइटम्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना है, और ये एक्चुअली गाइस ये हमीदिया रोड, ये हमीदिया हॉस्पिटल जो है उसके जस्ट बाजू में। और यहाँ के जो प्राइजेज हैं गाइस, वो मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइजेज में आप खाना खा सकते हो। ये भोपाल का नाम ही तंदूरी चिकन। ये गाइस यहाँ शाम के बाद रखे हुए हैं पूरे। तो गाइस ये हम लोग का खाना भी आ गया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दिल्ली वाले जो दिल्ली 6 का जो टेस्ट लग रहा है ना यहाँ से। ओह गाइस जो टेस्ट है ना, ओहो, मतलब ये इस प्राइस में ना फार टेस्ट है, फार, मतलब मज़ा आ गया खा के। और क्योंकि मैं प्राइसिंग भी आपको पूरे के बताऊंगा, जब हम लोग का बिल आएगा ना, तो आपको मतलब सुन के एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया आपके, मतलब इतना सारा खाना, और वो भी इस प्राइसिंग रेंज में। भाई ये जो खाना है, ये जो टेस्ट है ना, ये आपको यहीं पर मिल सकता है, और इसके अलावा ये टेस्ट कहीं नहीं मिल पाएगा। मैंने भोपाल में बहुत जगह खाना खाया है, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, और जिस प्राइस में आपको, मैं आपको बिल जब दिखाऊंगा ना, तो आप खुद ही आप सरप्राइज हो जाओगे कि इस प्राइस में खाना कोई कैसे दे सकता है। साथ में अगर आपके साथ थम्सअप या कोक होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सीख कबाब, चिकन टिक्का मसाला, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत हैवी होती हैं,
तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। भाई हम लोग की कितने हो गए? 370 रुपये। अब आप सोच सकते हो कि 370 रुपये में हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था। आई टिक्का मसाला, लॉलीपॉप, चिकन, तंदूरी चिकन, सीख कबाब और रोटी और बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक जो कि आप लोग भूल रहे हो। तो आप देख रहे हैं 370 रुपये में। भाई ये जो जगह है पाकिजा हमीदे हॉस्पिटल के जस्ट पीछे, वहाँ टायर्स के सामने, अपोलो टायर्स के जस्ट सामने आप बैठे थे चलो। तो ये जो कस्टमर्स का रिव्यू भी है यहाँ पे, आपको भाई कैसा लगता है मतलब यहाँ का खाना, मतलब आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी साल से आ रहे हैं भाई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिजा। भाई ये हमारे आजम भाई है जो पाकिजा के ओनर है और इनका काम ज़्यादातर बहुत पुराना, कब से काम है भी अपने यहाँ पे? मुझे 10 साल हुए। हाँ, उससे पहले मेरा कैटरिंग का काम करता था। अच्छा, तो इससे पहले इनका कैटरिंग का काम था, बट 10 साल से जो यहाँ का इन्होंने बहुत पुराने थे हमारे। हाँ, खानदानी है। अच्छा, ये खानदानी काम है, मतलब ये बहुत पहले से चल रहा है। और जिस भी मेरे भाई को, जैसे भोपाल में टेक अवे जो लोगों को नहीं पता है, रात में यहाँ पे टेक अवे भी मिलता है। आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बिल्कुल मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको यहाँ का एड्रेस दे दूँगा और आजम भाई का नंबर। तो गाइस चलते हैं।